नमस्कार दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी का A50। ये देखिए दोस्तों, यह है मेरे पास सैमसंग का A50। दोस्तों आज मैं आपसे इसके एक अपडेट के बारे में बात करूंगा जो दोस्तों हाल ही में आया हुआ है। दोस्तों आप वीडियो को स्किप करने से पहले एक बार इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें एक मैं आपको ज़रूरी बात बताऊँगा इसके अपडेट को लेकर, जो दोस्तों आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो। दोस्तों मैं आपसे एक बात करूँगा इस अपडेट को लेकर, क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग हैं जो जिनको दोस्तों एंड्रॉयड 11 का अपडेट अभी तक इस डिवाइस में देखने को नहीं मिला है, तो वो दोस्तों आप कैसे मिलेगा आपको वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। क्योंकि दोस्तों काफ़ी लोग होते हैं जिनको नए नए अपडेट चाहिए होते हैं, बट उनको दोस्तों ये पता नहीं कि वो अपडेट कैसे मिलेगा। तो दोस्तों देखिए, जे सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन जिसमें दोस्तों हमारे पास चल रहा है अभी, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए अभी चल रहा है दोस्तों इसमें एंड्रॉयड 10, और दोस्तों इसमें जो वन UI है वो है 2.5, और दोस्तों इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो दोस्तों 1 जनवरी। तो दोस्तों काफ़ी लोग हैं जिनको अब नया अपडेट चाहिए एंड्रॉयड 11 का, वो कैसे मिलेगा। दोस्तों जो हमारे हाथ में नहीं होता, जो होता है कंपनी का हाथ में, जो कंपनी अपने आप भेजती है। बट फिलहाल दोस्तों इसमें अपडेट आया हुआ है जिसको मैं आपको दिखाता हूँ इसमें दोस्तों हमें क्या मिलता है। दोस्तों इस अपडेट की बात के साइज़ की बात करूँ इस अपडेट की, तो बहुत दोस्तों 126 MB का। दोस्तों इस अपडेट में हमें क्या नया देखने को मिलता है वो मैं आपको बताता हूँ। जब आप इस अपडेट को अपने फ़ोन में करोगे तो दोस्तों आपके फ़ोन में जो थोड़े बहुत इशू आ रहे हैं, चाहे वो बैटरी को लेकर आ रहे हों या फिर दोस्तों किसी और चीज़ को लेकर आ रहे हों, वो दोस्तों फिक्स हो जाएंगे। और आपका जो सिक्योरिटी पेज लेवल है आपके मोबाइल का, वो 1 जनवरी से 1 फरवरी का हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है कि आपके डिवाइस का जो सिक्योरिटी पेज लेवल है वो दोस्तों 1 फरवरी हो जाएगा। जैसा कि अभी आपने देखा, अभी नेटवर्क स्लो आ रहा है इसमें, इसलिए ये चल नहीं रहा है। दोस्तों अगर आपको अपने मोबाइल में एंड्रॉयड 11 का अपडेट चाहिए तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, आपको अपने मोबाइल में जो भी अपडेट आए उनको फटाफट से अपडेट कर लेना है। क्योंकि दोस्तों अगर आपने अपडेट नहीं किया, जो आपके फ़ोन में जो अपडेट आया है वो आपने अपडेट नहीं किया, इंस्टॉल नहीं किया, तो दोस्तों आपके फ़ोन में जितने भी अपडेट आएंगे वो दोस्तों आपके फ़ोन में इकट्ठा होते रहेंगे। और जब आप उन अपडेट को अपडेट करोगे तो ऐसा नहीं है आपको लास्ट वाला ही करना पड़े, आपको वो सारे करने पड़ेंगे, जितने भी दोस्तों पेंडिंग में डले होंगे वो सारे आपको करने पड़ेंगे। तो दोस्तों बेटर है आपके फ़ोन में जब भी कोई अपडेट आए आप अपने मोबाइल में अपडेट करते रहो, उसको इंस्टॉल करते रहो, जिससे दोस्तों जब भी कोई नया अपडेट ऐसा आएगा जिसमें दोस्तों नया एंड्रॉयड वर्जन हो तो दोस्तों आपको ज़रूर से मिल जाएगा। तो यही एक तरीका है। बहुत जल्द दोस्तों आपको A50 में एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसके ऊपर काम चल रहा है जिसमें दोस्तों कुछ ही, जो मान के चलो आपको लास्ट दोस्तों अगस्त तक इस फ़ोन में, अगस्त से पहले ही दोस्तों आपको इसमें एंड्रॉयड 11 और 1 UI 3.0 का अपडेट देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों सैमसंग A50 काफ़ी अच्छा डिवाइस है, इसमें आपको ये दोनों ही अपडेट मिलेंगे जुलाई या फिर दोस्तों जून या जुलाई तक मिल ही जाएगा, ऐसी दोस्तों उम्मीद की जा रही है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।